बैंक ऑफ बरोडा प्रेजेंट्स गुफ्तू कहा जा रहे हैं आपका बेटा बड़ा हो गया पापा और अब हमारा घर भी गेट क्विक एंड ईजी होम लोन्स फ्रॉम बैंक ऑफ बरोडा फॉर योर ड्रीम होम स्टूडियो का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तु और गुफ्तु में आज है हमारे साथ बेहद खास मेहमान अफशा फारूकी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में डिपार्टमेंट ऑफ एशियन कल्चर्स और हिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेहर अफशा फारूकी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के डिपार्टमेंट ऑफ एशियन कल्चर एंड हिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर और राइटर अफशा फारूकी अफशा फारूकी की पैदाइश इलाहाबाद में उर्दू के मुमताज़ स्कॉलर नाक़िद और फिक्शन निगार रहमान फारूकी के घर हुई अपने वालदान की अजीम शख्सियत के जेर साया अफशा की परवरिश एक अदब नवाज माहौल में हुई और बचपन बेहद गैर मामूली रहा बहुत छोटी सी उम्र में ही मेहर अफशा को बेशुमार अशार जबानी याद थे मेहर अफशा फारूकी की शुरुआती तालीम इलाहाबाद के सेंट मैरीज़ कॉन्वेंट में हुई और आगे की पढ़ाई भी मेहर अफशा ने इसी शहर से की फिर आगे चलकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी की डिग्री भी हासिल की कुछ अर्से तक भारत में बतौर लेक्चरर काम करने के बाद मेरफ शाहफारूकी उन्नीस सौ अंठानबे में, में अमरीका चली गई जहां वो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में मुख्तिक ममालिक से आए स्टूडेंट्स को कई बरसों से उर्दू जबान और अदब की तालीम देती आ रही हैं उर्दू की हद क्या सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान है ऐसा तो नहीं है उर्दू 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 बोलने वाले पढ़ने वाले तमाम दुनिया में पाए जाते हैं जहाँ हम पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी और वर्जीनिया में वहाँ भी हम हर लेवल पर उर्दू पढ़ाते हैं और बहुत सारे जो बहुत सारे बच्चे तालब इलम हैं जो पी एच डी भी कर रहे हैं उर्दू लिटरेचर में और बहुत शौक से पढ़ते हैं मेहरफा फारूकी मॉडर्न उर्दू लिटरेचर की एडिटर तो हैं ही वो कई बड़े अखबार में कॉलमनिस्ट भी हैं उन्हें बतौर राइटर और ट्रांसलेटर अदबी दुनिया में अहम मुकाम हासिल है अपने ट्रांसलेशन के जरिए मेहरफा फारूकी ने हिंदुस्तान के कई शायरों और लेखकों को आलमी सतह पर पहचान दिलवाई है अपनी तालीम और तरबियत के सबब मेहरफ शाह फारूकी एक नायाब शख्सियत रखती हैं। अपनी किताबों में मेहरफ शाह फारूकी ने उर्दू अदब के पेचीदा मौजुआत पर नए नजरिए से रोशनी डाली है हाल ही में गालिब की फारसी शायरी और उनकी अनपब्लिश्ड उर्दू शायरी पर आई मेहरफ शाह फारूकी की किताब खासा चर्चा में है स्वागत है मेहर आपका प्रोग्राम में शुक्रिया हमको बताइए कि अभी हम बातचीत की शुरुआत आपके वालिद आपके पिता मशहूर इस्कालर रहमान फ़ारूकी के हवाले से करेंगे इस बातचीत की शुरुआत क्योंकि आप उनकी बेटी भी हैं और उनकी स्टूडेंट भी हैं और आपने बहुत नज़दीक से उनको देखा आ, खुद फारूकी साहब की जो लिटरेचर में आ, और ख़ासतौर पर जब उन्होंने शबखून इतने लंबे अरसे तक निकाला जिसके बारे में मैंने सुना कि उसका मतलब होता है रात में घात लगाकर हमला करना जी। तो ये मुझे बहुत एक हैरान करने वाला और एक इंट्रीगिंग एक सवाल लगा ऐसा नाम उन्होंने अपनी मैगज़ीन का क्यों रखा होगा आपका क्या ख्याल है देखिए जिस वक्त शबखून की प्लानिंग हो रही थी उस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी और इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ लेकिन एक कयास है मेरा कि वो एक तरह से जो अदबी आ, सीन था उस ज़माने का नाइनटीन सिक्सटीज़ में शबखून लॉन्च हुआ है 1966 सिक्सटी सिक्स में तो उसकी प्लानिंग जो थी वो नाइनटीन सिक्सटी फाइव में हो रही थी और आ, पहले शबखून का नाम रखा गया था तीशा जिसका मतलब होता है आ, फावड़ा शायद या कुदाल तो वो भी एक ख़ासा रेवोल्यूशनरी कस्म का नाम था आ, लेकिन शायद कोई कभी कोई और मैगज़ीन थी जो इस नाम से रजिस्टर्ड थी तो उसका नाम बदल करके शब खून कर दिया गया जिसका मतलब है नाइट अटैक और आ, तो दरअसल ये अटैक था आ, आ, जो एक अदब में एक जमूद समझ लीजिए या एक, आ, एक कुछ शौक़ इस तरह की इस कस्म की कोई तहरीक को लाने का ऐलान एक तरह से था तो शायद इस वजह से उसका नाम शबखून रखा गया आम, मुझे शबखून के की जब आ, प्लानिंग हो रही थी तो उस ज़माने की मुझे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें याद हैं एक तो ये कि हमारा जो घर था वो बंगला नुमा था और घर काफ़ी छोटा था लेकिन बागीचा बहुत बड़ा था तो सामने एक बहुत बड़ा लॉन था और पीछे बहुत बड़ा बाग था और उसमें एक ड्राइंग रूम हुआ करता था तो ड्राइंग रूम में ये सब महफिलें सजती थी जिसमें शब खून के बारे में प्लानिंग होती रहती थी और लोगों का आना जाना बराबर आ, रहता था और बड़ा ही एक एक्साइटमेंट एक सा था उसमें क्योंकि मैं छोटी थी लेकिन तब भी मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई कुछ हो रहा है यहाँ तो फिर मालूम हुआ कि पर्चा निकलने वाला उसको जरीदे को पर्चा कहा जाता था तो मैं सोचती थी इसको पर्चा क्यों कहते हैं क्योंकि पर्चा की मीनिंग मेरे जहन में तो होती थी कि कोई कागज़ का टुकड़ा या कोई पैम्फलेट लेकिन तो इस तरह से मेरी मैंने बहुत सारे नए अल्फाज सीखे कि पर्चा उसमें से एक था फरमा उसमें से एक और था आ, बटर पेपर के ऊपर हाथ से कातिब लिखते थे उनका नाम था सलीमुल्लह नैर और वो बहुत टेम्परामेंटल थे कभी कभी नाराज़ हो जाते थे तो फिर मेरी अम्मी उनको मनाती थी प्लेकेट करती थी उन्हें इस तरह के बहुत सारे यादें वस्ता हैं शब की शुरुआत से फिर भी कभी फिर आपने बाद में एक और कभी किया इस बात पर कि उन्होंने अपने रिसाले का नाम शबखून रखते वक्त यही कुछ इरादा था उनका कि वो कोई एक अटैक ही करना <laughs> आई <laughs> मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि बहुत से लोगों का ये बहुत लोगों ने यह सोचा कि शायद ये दो ग्रुप्स थे कि एक तरक्की पसंद तहरीक थी और एक जदीदियत एक तहरीक थी और इनके आपस में कुछ नाइतफाकी थी लेकिन ऐसा था नहीं दरअसल क्योंकि बाद में मैंने शब खून को बहुत पढ़ा तो उसमें उसमें सारे प्रोग्रेसिव राइटर्स जो सो कॉल आप कह सकते हैं वो सभी छपते थे तो ऐसा कुछ था नहीं इट्स जस्ट दैट नाम उसका इतना चौंका देने वाला है शब खून शब और ख़ून तो उसकी वजह से हो सकता है ये ये गुमान लोगों को हुआ हो तो आपने जैसा कहा कि एक तरफ तरक्की पसंद लोग थे फिर जदीदियत का एक सवाल था जी। आ, इन दोनों ही धारों में खुद फारूकी साहब आ, कहीं कोई एक क्रिटिकल होकर अपनी जगह आ, रखना चाहते थे अपनी अपना एक स्टैंड रखना चाहते थे मुझे लगता है कि वो उन्हें लगता था कि जो नया कुछ जो नए नाम उर्दू में उभर के आ रहे हैं उनके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए आ, और ये वो लोग हैं जो तरक्की पसंदी यानी प्रोग्रेसिव राइटिंग के बॉक्स में नहीं फिट होते तो उनके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए उस उस, उस वजह से उन्होंने ये ये पर्चा निकाला और उसके फ़ौर बाद ही एक एक और एक, एक, एक एंथोलॉजी पब्लिश की जिसका नाम ही था नए नाम उसमें उन्होंने सन्सार्ट में जो उभरने उभरते हुए जो लोग थे जो नई शायरी करते थे तो नई शायरी से मुराद क्या है इसका बल्कि इसको उन्होंने उन्होंने थेराइज़ भी किया बाद में जब मैंने उनको बहुत ज़्यादा पढ़ा बड़े होकर के तो मैंने ये भी आ, उसमें एक मजमून उन्होंने लिखा था उस ज़माने में जिसका नाम था तरसील की नाकामी का अलमिया यानी कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पाता उसमें उन्होंने ज़बान का तजिया किया कि जबान से हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो हम कुछ कह रहे हैं दूसरा आदमी कुछ और समझ रहा है तो नई शायरी में जो उलझाव है या नया जो जो नया तर्ज जो नया रवैया है चीज़ों को देखने का उसमें क्या आ, उसकी क्या है उसमें उसकी क्या निकात हैं तो उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया भी है इस मजमून में और शर भी इसी का आयनादार है आ, कि जो इनसिक्योरिटीज uh, और जो तरद ज़िंदगी में है वो शायरी में किस तरह से uh, निकल रहा है और शायरी में गजल में भी नज्म में भी सभी तरह की शायरी में किस तरह से वो आया हो रहा है तो शब खून वज़ द प्लेटफॉर्म फॉर दिस और तब फारूकी साहब की इन कोशिशों और काविशों और इन हलचलों को लेकर जो बाहर की एक दुनिया थी अगर आप धड़ेबंदियों के ही टर्म्स में बात करें तो उनका क्या रवैया और क्या उनके साथ मिलना जुलना घुलना क्या सूरत हाल उस वक्त रही होगी मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं याद पड़ता कि कोई आपस में ना इतफाक़ी ऐसी ओबियस रही हो इलाहाबाद का जो जो लिटरेरी सर्कल था आ, वो बहुत ही आ, फ्रेंडली कस्म का था वहाँ पर हर महीने एक नशस्त होती थी मुशायरा होता था तो उसमें सभी लोग आते थे चाहे वो तरक्की पसंद ग्रुप के हों चाहे वो जदीदियत से जुड़े हुए हों और एजाज हुसैन साहब जो कि खासे वेल नोन प्रोग्रेसिव राइटर माने जाते थे खून की शुरुआत में उनको वो मुदीर थे शब खून के और क्योंकि उन्होंने शबखून को सपोर्ट किया तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जो लाइंस थी बिटवीन प्रोग्रेसिविज्म एंड जदीदियत दे वर नॉट सो सो क्लियर इट वाज मोर जैसे कि ज़्यादा वो फजी किस्म की लाइंस uh, की थी ऐसा नहीं था कि uh, कोई खंदक है और उसको क्रॉस नहीं कर सकते तो इस तरह से एहताम हुसैन uh, एजाज़ हुसैन साहब और भी इस तरह के जो बड़े नाम मसीुज़म साहब ऑल दिस पीपल वर एसोशिएटेड विद शबखन एंड they were um, I don't think they belong to any particular एजाज साहब of course was a progressive लेकिन उनका पूरा support था तो अगर आप देखें कि चाहे वो कॉन्टम्प्रेरी राइटिंग हो या फिर क्लासिक्स को समझने और उसको री इंटरप्रेट करने और सामने लाने की ये जो सब कोशिशें फौकी साहब की आ, शुरुआती दौर में रही होंगी उसके पीछे कोई एक बुनियादी फ़िक्र क्या रही होगी क्या वो एक नक़ादों की दुनिया में कोई अपना सिक्का चलाना चाहते थे या फिर वो क्या मतलब एक पावर स्ट्रक्चर में अपनी कोई जगह बना रहे थे या, या एक बेसिक उनका कंसर्न क्या रहा होगा जिसने उन्हें बाद में जाते जाते एक कदावर शख्सियत की तरह आ, दुनिया के सामने पेश किया आपको तो ये मालूम ही होगा कि वो अंग्रेज़ी अदब के तालब इम थे उन्होंने एम ए अपना अंग्रेज़ी में किया और पहले कुछ बरसों तक उन्होंने अंग्रेज़ी लिटरेचर ही पढ़ाया और उर्दू उनका शौक़ था उनका पैशन था और वो हर वक्त मतलब वो पढ़ना किताबें पढ़ना उनका पैशन था तो वो बेपन बे, बे बेहद पढ़ते थे लेकिन अंग्रेज़ी लिटरेचर की जो उनकी ग्राउंडिंग थी वो मेरे ख़्याल से बहुत बरसों तक उनके साथ रही मिसाल के तौर पर आई ए रिचर्ड्स एक लिटरेरी क्रिटिक हैं जिनको जिन जो बहुत उनको जिन्होंने बहुत इन्फ्लुंस किया उन्हें कोलरिच हैं एलियट हैं इन सब का असर उनके ऊपर था तो शुरू की जो उनकी राइटिंग्स हैं उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने वेस्टर्न क्रिटिकल थियोरीज़ को कुछ हद तक मॉडिफ़ाई करके उर्दू में अप्लाई किया लेकिन आ, जो उनकी करियर का आप सेकेंड फेज़ देख देखिए तो उसमें उन्होंने वो दोबारा पलटे हैं क्लासिसिज्म की तरफ और उन्होंने ये बात बार बार कही कि क्लासिकल और मॉडर्न में एक कंटिन्यूटी है जब तक हम अपने क्लासिकल अदब से वाकिफ नहीं होंगे तब तक हम मॉडर्न नहीं समझ सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि मॉडर्न या प्रोग्रेसिव या ये चीज़ें कुछ ऐसी नहीं हैं कि जो ब्रेक कर रही हैं विद द क्लासिकल पास्ट बल्कि ये सब एक जंजीर की तरह जुड़ी हुई हैं आपस में तो ये उनका स्टैंड बाद में हो गया तो वो आ, उन्होंने अपना स्टैंड अदब के बारे में एक दो दफ़ा बदला है अपने लंबे करियर में ऐसा नहीं है कि वो एक लकीर के फ़कीर थे कि हाँ भाई अब उन्होंने एक ढर्रा ले लिया तो अब उसी पर चलते चले जा रहे हैं ही डिड चेंज हिज पोजिशन फ्यू टाइम्स और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा असर उन उनके उनकी उनकी, उनकी, उनकी फ़िलासफ़ी ऑफ लिटरेचर पर मोहम्मद हसन अस्करी का है आ, अस्करी साहब से वो कभी मिले नहीं थे क्योंकि अस्करी साहब पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए तो उस वक्त मेरे वालिद बहुत यंग थे लेकिन बराबर ख़त अस्करी साहब ने भी शुभ फोन शब ख़ोन के लिए काफ़ी कुछ लिखा और उनकी जो अस्करी साहब की जो, का जो 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 जहन था वो बहुत सारे आ, बहुत सारी चीज़ों को सामने ला के रख देता था एंड 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 एक्सपेक्टेड अदर पीपल टू पिक दम फॉलो अप विद इट तो मुझे लगता है कि मेरे वालिद अस्करी साहब से काफ़ी मरूब थे और लेकिन बाद में वो और उन्होंने अस्करी साहब से बहुत कुछ सीखा भी मगर इवेंचुअली वो उनसे आगे निकल गए क्योंकि अस्करी साहब फिर भी एक महदूद दायरे में ही उन्होंने अपने को सॉर्ट ऑफ नज़रबंद कर लिया था और वो सूफी सूफीज की तरफ चले गए थे लेकिन मेरे यहाँ पर शमसरण फ़ारूक़ी जो थे वो उन्होंने आम, आ, 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 मसला नावल लिखी उन, उन्होंने अफसाने के बारे में बहुत कुछ लिखा अफसाने की हिमायत में उनकी बहुत बहुत ही आ, बड़ी किताब है और फिर वो नावल इतना बड़ा लिखा इतनी इतने उन्होंने अफसाने लिखे तो बहुत ही उनके यहाँ बहुत ही तनवो बहुत है वैरायटी बहुत है विच इज़ एक्चुअली द मार्क ऑफ अ जीनियस अगर कोई शख्स कई किस्म की चीज़ों में इक्वली एक्सेल करता है जैसा कि उन्होंने किया तो वो एक गैर मामूली जहनीत का जहनीत उसके अंदर है तो मैं मैं मुझे अपने अपने वालिद की तारीफ ख़ुद करने में थोड़ा सा झिझक महसूस हो रही है लेकिन सारी दुनिया इस बात का एतराफ़ कर रही है तो मुझे कहने में क्या हो सकता है देखिएगा कि एक एक दौर ऐसा होता है आ, कि जब आप एक बेटी की तरह एक बाप के साय में होती हैं और फिर धीरे धीरे जब आप वो खुद ही उन आपको इस तरह नर्चर करते हैं कि आप उनके साथ आमने सामने भी हो सकें कहीं उनकी किसी या uh, किसी परसेप्शन किसी आइडियाज़ पर आप कन्फ्रंट uh, भी कर सकें और क्रिटिकली इंक्वायर uh, कर सकें तो अपने वालिद की भी वजह से आप इस तरह uh, आप दोनों बहनें कि उनके साथ इक्वल फुटिंग पर कभी बात कर सकें धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आता है कि जब आप uh, उनके साथ भी कन्फ्रंट कर सकते हैं उनके आइडियाज़ को लेकर आपने ये बात कही पहले कि वो लकीर के फ़कीर नहीं थे जिसमें बहुत सारी बातें शामिल ओ, हो जाती हैं लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि जिसका प्रोफेशन ये नहीं है प्रोफेशन उसका कुछ और है और शौक़ से वो किसी फील्ड में उतरा वो फिर मैं इसी बात को थोड़ा तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या है जो उनके अंदर वो एक ड्राइव कंटिन्यूस रखता है और फिर वो अपनी ही आइडियाज़ को तोड़ते हैं फिर नया बनाते हैं वो क्या तलाश उनकी आ, रही होगी जब आप इस वक्त सोचती हैं तो मुझे लगता है ऐसा कि मेरा बचपन ख़ासा ग़ैरमूली था अगर मैं अपनी और मेरे अपने क्लास में जो और मेरी दोस्तें थीं उनसे अगर मैं कंपेयर करूं क्योंकि मेरे वालिद मेरी मेरी और मेरी छोटी बहन की आ, एजुकेशन पर वो बहुत पर्सनली uh, दिलचस्पी लेते थे और उनकी दिलचस्पी इस बात में नहीं थी कि हमारे क्लास में कितने नंबर आ रहे हैं uh, बल्कि वो ख़ुद हमें पढ़ाते थे और आप सोच लीजिए कि वो सिविल सर्विसेज में थे इसलिए उनको नौ बजे दफ्तर भी पहुंचना होता था और uh, तो वो क्या कर गर, गर्मी की छुट्टियों में और कभी भी जब सेकंड सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी तो वो उन दिनों हम लोगों का बाकायदा क्लास लिया करते थे और होमवर्क भी असाइन करते थे और उसमें करेक्शन भी और करते थे तो तब वो हम लोगों को क्लासिकल अदब पढ़ाते थे गालिब मीर इकबाल दाग दर्द मॉडर्न अदब नहीं पढ़ाया उन्होंने हमें और, और फिर उसके बाद प्रेमचंद नावलों में अंसारी अंसारीन हैदर अब्दुल्ला हुसैन ये सब उन्होंने हमें नावलें पढ़ाई और इम्तहान लिया करते थे तो खास तौर से एक तरह से उन्होंने हमें ग्रूम किया कि हम जिस तहज़ीब में का हम हिस्सा हैं उसको हम अच्छी तरह से आ, समझ सकें अपनी जो जो आ, जो एक इत, इतनी आ, क्या कहना चाहिए मेरे पास अल्फाज इस वक्त नहीं हैं लेकिन आ, मुझे लगता था कि हम दोनों बहनें ख़ास अलग कस्म के माहौल में बड़े हुए इस तरह से और हमारे यहाँ हर वक्त आ, अदीबों का आना जाना था तो सब ये लोग नैर नैर मसूद साहब नैर चचा थे शहरियार चचा थे जाने जिसका भी नाम ले लीजिए आप हमको तो बहुत सारे अशार याद थे और हम उन्हें सुनाया कर, जब भी होता था तो हम शुरू हो जाते थे सुनाना आम, मगर एक बात ये थी कि पढ़ाया तो उन्होंने हम लोग को बहुत कुछ और एक तरह से तैयार किया उसका नतीजा ये हुआ कि शायरी और अदब हमारी ज़िंदगी में इतना घुल मिल गया कि हम वी कुड डिफरेंशिएट बिटवीन लाइफ एंड लिटरेचर यू नो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ आर लाइफ विच वॉज वेरी अनयूजल आई वुड से बहुत लोगों के बारे में हमने सुना है कि लड़कियों को नावल मत पढ़ाओ शायरी मत पढ़ाओ उनके आइडियाज़ जो हैं वो बड़े वैसे हो जाएंगे uh, तो हम लोग थोड़े रिबेलियस निकले उसका नतीजा यही हुआ कि हम लोगों को क्योंकि इतनी अर्ली एज़ पर ये सब चीज़ें पढ़ा दी गई मैं मुश्किल से मेरे ख्याल से फिफ्थ क्लास में पढ़ती थी तब मैंने जेन ईयर पढ़ लिया था मैं सिक्स क्लास में पढ़ती थी तो मेरे चचा शायद बी ए या एम ए कर रहे थे तो वो मेकबैत पढ़ने रोज आते थे मेरे वालद से तो वो मुझे बता बुला के बैठा लेते थे कि चलो तुम भी बैठ जाओ अब वो मेकबैत पढ़ रहे हैं मैं हैंड में हूँ तो जो भी मेरे समझ में आता था आई वुड यू नो एब्सॉर्व दो थिंग्स एंड लिटिल डिड ही रियलाइज एंड लिटल डिड आई रियलाइज हाउ मच I was actually internalizing all of this because when I grew up, I sort of became, um, literature was so much a part of my uh, my blood that it was very difficult for me to be like a normal person. So that was one thing that happened. Um, and then unki bahut tamanna thi ke hum likhen kush shairi hi kar le ya ya तो रिबेलियस थे हम नहीं करना चाहते थे क्योंकि बस हम सोचते थे कि हमारे माँ बाप जो हैं वो इतने ज़्यादा अकम्पलिश हैं तो बस हम हमें नहीं अकम्पलिश होना है हमें बस नॉर्मल इंसान हमें बनना है लेकिन ज़ाहिर है हम बन नहीं सकते थे तो हमारे अंदर तो वो था ही सो तो वो थोड़ा देर में उभरा लेकिन इट केम आउट एंड फिर मैंने अपना लिखना पढ़ना शुरू किया फिर जब मैंने अस्करी पे मेरी किताब है फिर मैंने गालिब पर काम इधर पिछले दस साल से मैं कर रही हूँ तो फाइनली आई वॉज एबल टू एक्चुअली कन्फ्रंट हिम आई वॉज एबल टू रीड अप सो मच अबाउट गालिब एंड यू नो आई वॉज एबल टू लुक इन टू गिब ऑफ फ्राम अ डिफरेंट एंगल वो एंगल मैंने देखा से गालिब को पढ़ा जो उन्होंने नहीं मुझे बताया था um, तो फिर इस बात पे हम लोग की काफ़ी गुफ्तु होती थी इसको लेकर के कि आखिर गालिब को एज़ अ फ़ारसी के शायर क्यों नहीं क्यों नहीं उस पर लोगों ने ग़ौर किया या गालिब ने अपने आधे से ज़्यादा उर्दू का कलाम मुस्तरद कर दिया इस पर क्यों नहीं लोगों ने काम किया या उसको क्यों नहीं उसकी क्या वजह हो सकती है तो मैंने बहुत सारे सवाल नए उठाए जिसको कि उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत मेरी हौसला अफजाई की और हम लोगों लोग खूब आपस में बहस करते थे और जब भी हम उन्हें उनसे अग्री नहीं करते थे या उनसे इतफ़ाक़ नहीं करते थे तो बहुत खुश होते थे इस बात को लेकर के कि चलो कम से कम इसके अंदर इतना तो आ, इतना दम तो है कि वो डिसग्री कर रही है तो ये सब चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई विच इज़ आई वुड से इट्स इट्स वेरी प्रेशस और फिर से पिछले सवाल का एक छोटा टुकड़ा अभी भी छूटा है जी, जी. कि ये सब कुछ करते हुए फारूकी साहब करना क्या चाहते थे यानी कि जो भी उनके इर्द गिर्द जैसे कहेंगे विचारों का विमर्शों का बहसों का एक जो का की दुनिया थी उसमें कंटीन्यूस एक सेंध लगाने की उस नहीं। नहीं। पर शबखून नहीं। नहीं। की जो बात है वो कंटिन्यूस वो प्रोसेस चलता ही रहा खुद अपनी बनाई हुई ओपिनियंस पर वो क्वेश्चन करते रहे वो कर क्या रहे थे मतलब अगर जब आप ऐसे सोचिए कि एक तरफ हिंदुस्तानी सोसाइटी और उसका मन है जो आपके लिटरेचर से बनता है और दूसरी तरफ एक नक़ाद है जो चीज़ों को देखने के लिए नए नए उनकी परतों के भीतर कैसे उसे देखा जाए जैसा कि बाद में वो संस्कृत के जो हाँ संस्कृति संस्कृत के जो की जो लिटरेरी ट्रेडिशन है उसमें से अभिनव या आचार्य मम्मट जैसे लोगों को कोट करके समझाने की कोशिश करते हैं कि शायरी सिर्फ एक आ, कोई एक चीज़ नहीं है उसमें ध्वनियों का उसमें परत दर परत वो कर क्या रहे थे वो क्या चाहते थे मम्म कहते हैं कि ध्वनि के द्वारा तुम इतने मानी निकाल सकते हो जो वर्ड में नहीं कहीं है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम लोगों ने हम लोगों ने उर्दू वालों ने डिस्कवर किया अपने अपने सेंस में और तरह से कब किया भाई ये इस सेवन्टी, सेंचुरी देखिए उन्होंने जो शुरू तो उनका करियर होता है एज एन एडिटर ऑफ शब खून लेकिन फिर वो आगे चल करके मसला उनकी एक बहुत ही अहम किताब है जिसका नाम है उर्दू का इब्ताई ज़माना तो जब उन्होंने उर्दू के इब्तई ज़माने उस पर जब उन्होंने हिस्टोरिकल काम करना शुरू किया तब उन्होंने उसको ट्रेस किया कि किस तरह से हमारी तहजीब जो थी या उर्दू ज़बान की तश्कील में उसकी नशो नुमा में उसके क्या कौन से असरात थे और किस हद तक जैसे बहुत सारी जो उर्दू की अर्ली हिस्ट्रीज़ हैं उसमें ये कहा गया है कि वो बहुत ही परजन की एक, एक बहुत ही शैलो वो है रिफ्लेक्शन है या बहुत ही पर्शियन का एक वाटर डाउन वर्जन है लेकिन ऐसा नहीं है उर्दू का अपना एक इतिहास एक अपना एक कल्चरल इंडिविजुअलिटी है और जिसको कि उन्होंने हिंदुस्तानी तहजीब के साथ जिसको कि वो हिंद इस्लामी तहजीब कहते थे ये उन्होंने यहाँ पर उन्होंने अस्करी के साथ डिफ़र भी किया तो वो हिंद इस्लामी तहजीब का जो उन्होंने को उन्होंने डिस्कवर किया और इ, आ, उसको उन्होंने एक्सकवेट किया मतलब वो एग्जिस्ट तो करती ही थी लेकिन उसको उन्होंने मंजर आम पर लाया और अपनी न सिर्फ अपनी आ, मजामीन के थ्रू बल्कि उन्होंने अपनी जो जो फ़िक्शन उन्होंने लिखा उस वो फ़िक्शन जो है वो एक तरह से उनके आइडियाज़ को एक्सप्लिकेट करता है आप आपका चांद सर आसमां पढ़िए तो उसमें वो पूरा कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र तक और ठगी से ले करके जाने कहाँ कहाँ की हिस्ट्री उन्होंने सारी बिल्कुल ला कर के कहानी के फॉर्म में उन्होंने गुथ दिया है तो वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स नावल उन्होंने तैयार किया जिसमें उन्होंने ये हिंद इस्लामी तहजीब को पेश किया एक तरह से और उसके और वो बेहद लोगों को अपील किया और बहुत लोगों ने उसको सराहा और पसंद किया और दूसरी चीज़ उन्होंने ये की कि जो ज़बान का जो जो आ, उस में जो डिक्लाइन हो गया था जो कि जिसको आप कह लीजिए कि अंग्रेज़ी के असर से कि हमारे ज़मान में बहुत सारे अंग्रेज़ी के अल्फाज आ गए उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है लेकिन जब वो कहते थे कि जब उर्दू में वो लफ्ज़ मौजूद है तो फिर अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है और आ, जबान की को उन्होंने जो अठारहवीं मतलब सदी में जो उर्दू ज़बान थी एक तरह से उन्होंने प्रोज़ को उर्दू नसर को दोबारा उन्होंने जिंदा किया और आ, उनके जो अफसा, अफसाने हैं मसलन सवार इन सोहबतों में आखिर वगैरह वगैरह वो तो सिर्फ़ आप समझिए ज़बान की ख़ूबसूरती ही उसमें इतनी ज़बरदस्त है कि वो सहरज़ ज़बान उन्होंने लिखी है एक तरह से कोई और लिख नहीं सकता मुझे तो लगता है तो इस तरह से उन्होंने मतलब अगर आप देखिए कि फ्रॉम नाइनटीन से लेकर के अगर हम 2015 तक या 2003 पे आ जाइए जब कई चांस थे सर आसमा वो लिख रहे थे कि उनका जो सफ़र है वो बहुत ही जिसको फैला हुआ है एक तरह से गहराई में भी वो जा रहे हैं और उनकी जो उनका जो होराइज़न है वो वो भी बहुत जो है वो वसी होता चला जा रहा है इस तरह से उन्होंने दास्तान पे जो काम किया कि शायद वो वाद शख़्स हैं जिन्होंने छियालीस जल्दों के पचास हज़ार सफ़ों को पढ़ डाला और पूरा उन्होंने उसको उसका उसको जमा भी किया दास्तान को और पूरी दास्तान की थियोरी भी उन्होंने लिखी है तो इतना भारी भरकम काम उन्होंने किए हैं कि आ, मैं और मेरी छोटी बहन हम लोग तो खैर कुछ भी नहीं अदना है और बहुत से बड़े बड़े राइटर्स हैं उनके लिए उन्होंने एक तरह से राह हमवार कर दी है आगे काम करने के लिए देखिएगा कि फारूक़ी साहब को सुनना भी अपने आप में एक ऐसा लुत्फानदोज़ होना होता था कि वो जिसको महमूद फारूखी कहते हैं कि वो बातों में गिरह लगाया करते थे जैसे बात जी, जी, बातों जी, में से बातें मतलब एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसमें सडनली कोई एक दूसरी चीज़ आ जाएगी शायद वो उसकी वजह ये भी होती होगी कि वो आ, वो कॉन्सेप्ट ही इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसमें ये सारी चीज़ें ओवरलैपिंग होने लग जाती हैं इस एक बात के अलावा क्या आपको लगता है कि आ, ये जो एक सिरे को पकड़ के कहीं छोड़ देना फिर आपको लगता है कि वहाँ से अरे ये तो छूट गई बात और फिर एक नई बात शुरू हो गई तो ये उनकी पर्सनालिटी का शुरू से हिस्सा रहा होगा या जैसे जैसे उन्होंने और एक्सप्लोर किया और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी उनके सामने आती गई उसकी वजह ये होती होगी अगर आप उनको पढ़िए तो ऐसा लगता है शुरू में जब वो तमहीद बांधते हैं तो वो बहुत सारे रिश्ते ले करके चलते हैं एक दो तीन चार और फिर उनकी वजाहत करते जाते हैं और फिर वज़ाहत करते करते फिर उनको वो गूँधने लगते हैं और आखिर में आकर के वो फुल सर्कल हो जाता है तो इतना लॉजिकल उनका आ, लिखने का अंदाज़ है कि बहुत सारी चीज़ों को लेके वो चलते हैं लेकिन उनको उलझने नहीं देते गुफ्तु में भी वो ख़ास जिसको कहते हैं बहुत ही आ, कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं वो लेकिन फिर आखिर में वो सब चीज़ों को वो एक साथ समो देते हैं hmm. तो ऐसा नहीं है जैसे कि वॉन्डरिंग अराउंड है वो इट्स विद अ पर्पस जब वो बहुत सारी चीज़ों को लाते हैं तो उसका एंड में कुछ ना कुछ हासिल हमें होता है और वो उसको बहुत अच्छी तरह से नीटली वो गुलदस्ता किस्म का बना देते हैं जैसे कि एक गुलदस्ता है जिसमें गुलाब भी है चमेली भी है फलाना भी है और सबको फिर वो बांध देते हैं तो ये उनके अंदर जो ख़ूबी है वो बहुत ही मेरे ख़्याल से वो हमको ये उन्होंने हमें ये बताया कि बेटा जितना तुम लिखोगी उतना आसान होता जाएगा तुम्हारे लिए तो लिखते लिखते इंसान इतना ज़्यादा सुलझ जाता है कि फिर उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो इन चीज़ों को सुलझा सके सबको एक साथ बांध सके कंक्लूजन ये शुरू शुरू में जब मैंने लिखना शुरू किया तो वो कहते थे तुम बहुत उछल कूद मचाती हो इधर से उछल के वहाँ चली गई वहाँ से तुमने यहाँ तो लटकता छोड़ दिया इस बात को तुमने ख़त्म नहीं किया तो <laughs> so, वो वो मैंने फिर सीखा कि लिखने से ही वो जहन जो है वो सुलझता है आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह से हमें ख़त्म करना है क्लोज करना है तो इस तरह से वो करते हैं लेकिन एक एक शेर मैं आपको गालिब का बताऊँ शायद गालिब ने उसको मुस्तरद कर दिया था कि हजूम फ़िक्र से दिल मिसल मौज लर्ज़े है यानी फ़िक्र फ़िक्र का इतना हजूम है इतनी आइडियाज़ आ रहे हैं हजूम फ़िक्र से दिल मिसल मौज लर्ज़े है कि शीशा नाजो को सहबाये आपकी ना गुदास के जो ग्लास है वो तो बहुत नाजुक है लेकिन जो शराब है उसके अंदर वो उबल रही है यानी जो ज़बान है या जो वर्ड्स हैं हमारे पास जिससे हम उन आइडियाज़ को पकड़ सकें उसमें इतना दम नहीं है कि हम वो सारे एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को को एक्सप्रेस कर सकें तो मुझे लगता है कि कभी कभी उनके साथ यही होता था हालांकि वो तो ज़बान पे उनको बहुत ज़बरदस्त उबूर था मगर जब वो कानवर्सेशन्स में इधर से एक जगह से दूसरा ख्याल फिर उससे तो लगता था उनके पास इतनी चीज़ें हैं जिसको कि वो एडवांस शेयर करना चाहते हैं देखिए आपको सुनकर बड़ा अगर मुझे तो भाई इतना आशर्फा क्या बताऊँ जो पहला लिटरेरी थियोरिस्ट अरब में है खुदामा इबन ज़ाफ़र नाइनटीन उसकी किताब नाइन फोर्टी की लिखी हुई है आज से बारह सौलाजिए कितने गिन लीजिए बरस हुआ बहुत, बहुत बड़स हुआ नाइन फोर्टी की शेयर पोइट्री उसमें लगता है आप पोइटरी का तीन चीज़ जरूर होना चाहिए कि मेट्रिकल मेट्रिकल हो और जानबूझ के कही गई हो कि हम पोएम कह रहे हैं ये नहीं कि बच्चे, ने, बच्चे ने बच्चे ने बच्चे ने गाना गा दिया हाँ शायद बन गया ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ आपने इंटेंड की हो कि आप पोएम कहेंगे मेट्रिकल हो इंटेंडेड हो और उसमें मान ही हो शुड बी मीनिंगफुल बाद में उसी किताब में देखिए उस जमाने आज मैं कहूँगा तो मुझे मुझे गोली मार देंगे उस जमाने में वो ये बात कह रहा है उन्नीस में कह रहा है धर्म और प्रेम और अच्छी बुरी बात ये सब पोइट्री में नहीं चलती है पोइट्री या सब्जेक्ट जो भी है वो अगर वो इन चीज़ों को पूरा कर रहा है तो वो पोएम है चाहे उसमें कोई आपके ख्याल में कोई धार्मिक बात हो कि ना हो तो हमारे शुरू से ये कहा जाता रहा है कि भाई यू शुड प्रोड्यूस यू शुड क्रिएट मीनिंग इसीलिए बड़े शायर को हम लोग कहते हैं खलाकुल महानी द क्रिएटर ऑफ मीनिंग्स संस्कृत में तो सबसे बढ़ के जो बात कही गई है जिसपे कि सारी पोइट्री का दुनिया भर में दार मदार है लेकिन हम लोगों ने उसको छोड़ दिया कि हम ये पूछते हैं कि व्हाट इफेक्ट डज इट प्रोड्यूस इज ए लिटरेरी वर्क अवार्ड केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट थ्रू द वर्ड दैट इट यूजेज ये भरत मुनि पहली बार क्या कहते जो पहली किताब हमारे जो पोइट्रीज पहली बार कह गए थे एक तो भाव है एब्स्ट्रैक्ट होता है फियर है जो भी मान लो तुम उसको प्रेम है स्नेह है वॉटवर और एक उसका उसको भी उसको यू पुट इंटू एक्सप्रेशन जो भी आपका जो ड्रामा हो वर्ड जो कुछ भी हो और उसके बाद फिर वो तो हुआ विभाव भाव जो तो है बिल्कुल डू यू नो फियर होगा भाई हमको पता नहीं हाँ कोई चीज़ होती लोग फियर करते हैं तो हमको भी रात रात को डर लगता था होगा भाई तो भाव फिर विभाव विभाव को कन्वे करने वाला अनुभव होता है तो हम समझते हैं कि फारूकी साहब की शख्सियत इतनी ताबिंदा और इतनी बड़ी है कि हम अब इस गुफ्तगु को और कितनी भी देर करें तो हाँ दिल नहीं भरता लेकिन यहाँ हम बातों का रुख थोड़ा मोड़ेंगे और थोड़ा ये समझना चाहेंगे कि ये जो आपकी किताब जिस पर आप पिछले दस बरसों से काम कर रही थी गालिब पे तो गालिब में ऐसा क्या रह गया जो जिसकी ज़रूरत मतलब आप ऐसा क्या नया कर रही हैं जो ये किताब दस साल में पूरी हो पाई ये तो मुझे मालूम है कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अनपब्लिश थी लेकिन ये तो एक खैर बात हुई आप बता पाएंगी कि वो उसमें क्या ऐसा है ख़ास जो आपकी किताब में आ रहा है देखिए बहुत इस किताब पे मैंने जैसा कि अभी आपने कहा मैंने तकरीबन तो दस साल से मैं रिसर्च कर रही हूँ और शुरू तो मैंने बहुत ही एक फ़ोकस उससे किया था कि मैं गालिब के मुस्तरद कलाम पर कॉमेंट्री लिखूँगी लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही था कि गालिब ने इसको क्यों मुस्तरद किया फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद मुझे ये पता चला कि गालिब ने आधे से ज़्यादा कलाम अपना मुस्रद कर दिया यानी जो जिसको हम दीवान गालिब कहते हैं वो फिफ्टी परसेंट से कम है गालिब ने जो कुछ लिखा फिर ये मालूम हुआ है कि गालिब ने 20 साल तक सिर्फ फ़ारसी में ही लिखा उर्दू में लिखा ही नहीं और जो गालिब ने फारसी में लिखा वो पाँच गुना ज़्यादा है उर्दू से ये बात भी बहुत से बहुत लोगों को नहीं मालूम फिर मैंने देखा कि जो फ़ारसी का कलाम है उसको उन्होंने मुस्रद नहीं बहुत कम ही किया है क्योंकि जब वो पाँच गुना ज़्यादा है उर्दू से तो वो इतना ज़ख़ीम है तो ये ये उन्होंने सिर्फ उर्दू के साथ ही क्यों अप्लाई किया तो ये कुछ सवाल पहले उभरे मेरे जहन में फिर उसके बाद मुझे लगा है कि शायद आ, इसका कुछ ताल्लुक इस बात से हो कि गालिब ऐसे दौर में रह रहे थे जब प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ी से उभर रही थी और बहुत तेज़ी से फैल रही थी तो गालिब जब कलकत्ते गए आ, तो वहाँ उन्होंने देखा कि प्रिंट जो है वो बहुत ही उसकी बहुत धूम है और बहुत से अखबार और पैम्फलेट्स और ये सब निकल रहे हैं उनके दोस्त सराजुल्दीन अहमद वो एक अखबार निकालते थे आईने सिकंदर उसमें उन गालिब की गज़ल छपी तो गालिब को ऐसा लगा कि प्रिंट के ज़रिए बहुत सारे लोगों को एक साथ तक हम पहुंच सकते हैं अपना कलाम पहुंचा सकते हैं जबकि मुशायरा एक महदूद दायरा है तो इस बात को उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था और उन्होंने प्रिंट को वेलकम किया यानी उन्होंने प्रिंट का इस्तेबाल किया और उन्होंने फिर सोचा कि मैं क्यों ना अपने कलाम को छपवाऊँ ये बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी ख़याल था उस ज़माने में क्योंकि गालिब से पहले किसी और शायर ने अपने कलाम को नहीं छपाया छप था तो अब ये सवाल मेरे जहन में उठा कि जो पहले जब दीवान तैयार होते थे तो उनकी कितनी कॉपीज़ बनती होंगी आप सोचिए हाथ से लिखा जाता था किताबत होती थी अगर बहुत कोई साहिब वो हुआ तो उसने पांच कॉपीज़ बनवा ली या उसके कोई पेट्रन हुए तो उन्होंने बनवा ली चलिए बहुत हुई तो पंद्रह बन गई लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं और अगर वो प्रिंट होगा तो तो हज़ारों में फ़ौरन ही हो जाएगी या कुछ नहीं तो सैकड़ों तो हो ही जाएगी तो उसकी तो उसको उतने लोग भी पढ़ेंगे जब एक मखतूता है तो उसको उसकी बहुत कम ही लोग उसके पढ़ने वाले होंगे ना तो एक इलीट सर्कल से जब वो एक पॉपुलर सर्कल uh, में जाएगी चीज़ तो उसमें क्या उसमें जाहिर है उसकी रीडरशिप बदल जाएगी तो गालिब ने भी यही सोचा होगा मेरा कयास है कि जब ये मेरा कलाम जो है जब ये छपेगा तो इसकी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है उसको क्रिटिसाइज़ भी ज़्यादा लोग करेंगे पहले ही उनको कहा जाता था बहुत मुश्किल पसंद है तो उसको देखते हुए उस बात को मद्देनज़र रख कर के उन्होंने बहुत सारे अशार जो उन्हें लगे कि बहुत मुबहम हैं या रेपिटेटिव हैं पहले इस मजमून को वो कह चुके हैं क्योंकि कुछ मजामीन उनके बहुत बहुत ही पसंदीदा थे मसलन आइना उस पर बहुत उन्होंने शायरी की तो वो सब उन्होंने निकाल दिया उसमें से तो उसको उन्होंने ऐसा बना दिया जो कि हम आप उसको आसानी से रिसीव कर सकें मतलब एक वजह गालिब की पॉपुलैरिटी की ये भी है कि दीवान गालिब एक बहुत पतला से पतला से एक है उसको आप आसानी से बल्कि मीर के देखिए कितने दीवान हैं और मुसफ़ी को ले लीजिए किसी को भी ले लीजिए तो उनके मुकाबले में गालिब इज़ वेरी सेलेक्टिव तो एक तो मुझे मैंने ये सवाल इसको मैंने परसू करना शुरू किया और इस पर मैंने बहस की फिर मुझे लगा कि गालिब ने अपने हर दीवान के साथ एक दिबाचा लिखा था जो कि फ़ारसी में होता था और जो वक्त के साथ साथ वो दिबाचा अलग हो गया मसला अब अगर आप दीवान गालिब ख़रीदेंगे तो उसमें दिबाचा आपको नहीं मिलेगा और वो दिबाचा फ़ारसी में होता था उस दिबाचे में गालिब ने इस बहस को उठाया था कि ये इंतखब है और मैं क्यों कर रहा हूँ और मेरे सामने मैं क्या कर रहा हूँ उर्दू में मैं किस तरह से नए मजामी ला रहा हूँ मैं फ़ारसी की बुझती हुई आग को से मेरे, मेरा कोई मतलब नहीं है मैं तो अब आ, ऐसी लकड़ी तराश कर कर रहा हूँ जो कि मैं बहुत ही उसको तराश करके मैं बहुत हीमदा और फ़ाइन चीज़ें ला रहा हूँ तो ये सब चीज़ें उन्होंने उसमें समझाई थी ये सब जो है वो अलग हो गई उससे जुदा हो गई तो उसको मैंने बहुत ही मुश्किल फ़ारसी थी वो उसकी तो उसको समझने के लिए मुझे बहुत मदद देनी पड़ी ज़ाहिर बात है मेरे फ़ादर ने मदद की और भी जो स्कॉलर्स हैं जो इस इस दौर की फ़ारसी पढ़ते हैं इंडो परजन उनकी मदद से फिर मैंने इनका तर्जुमा किया तो मैंने देखा कि जो फ़ारसी दीवान है उसमें जो गालिब ने दिबाचा लिखा है वो बहुत ही ज़ख़ीम है और जो उर्दू दीवान में लिखा है तो वो बहुत ही दो चार ही सफ़ों का है ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई हैं इस पर अभी तो किसी ने ना बहस की है ना काम किया है तो एक तरह से मैंने गालिब के नज़रियात को गालिब के के सेल्फ़ परसेप्शन को कि गालिब ख़ुद अपने बारे में क्या सोचते थे अपनी शायरी के बारे में क्या सोचते थे वो उन्होंने अपने ख़तूत में तो ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा है और अक्सर वो अपने मुश्किल अशार की तशरी भी करते थे हुँ. मगर एक तरह से उनकी उनका जो जो सेल्फ़ जिसको कहते हैं परसेप्शन था वो उनके दिबाचे पढ़ कर के समझ में आता है कि उनकी ज़बान के बारे में मसलन उर्दू फारसी के दरमियान जो दूरी है वो किस तरह की है जो आ, फ़ारसी जो लोग पढ़ते हैं जो लोग उर्दू पढ़ते हैं उनकी परसेप्शन में क्या डिफरेंस है फारसी किस तरह से बियॉन्ड इंडिया पढ़ी जाती है इसी वजह से इकबाल ने बाद में फ़ारसी में लिखना शुरू कर दिया क्योंकि वो एक रीजनल ज़बान नहीं है वो एक क्लासिकल ज़बान है उर्दू एक रीजनल ज़बान है वो एक महदूद ज़बान है तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने इस किताब में मैंने उसको एक एक्सप्लोर किया है कई बार लगता है कि जब आप किसी पुरानी अनपब्लिश काम को ढूंढने जाते हैं तो हम लोगों के यहाँ ख़ासतौर पर हिंदुस्तान में तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का कोई बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर और वो और कॉल नहीं रहा तो बहुत सारी चीज़ें रख रखाव की कमी की वजह से गुम हो जाती हैं तो ये ढूंढ पाना भी अपने आप में एक बहुत मेहनत का और एक टीडियस काम रहा होगा कि उनको मतलब अनपब्लिश अभी आप नहीं कह सकती कि जो कुछ भी ढूंढा गया उसके अलावा भी कुछ और नहीं छुपा हुआ होगा नहीं ज़रूर होगा जब ये सब चीज़ें जब सबसे पहले जिसको हम कहते हैं नुस्खा हमीदिया नाम का जो मखदूता है वो आ, उन्नीस में मिला और 50 साल गुज हो चुके थे गालिब को फौत हुए लेकिन लोग भूल गए थे कि गालिब के का, का उर्दू कलाम और ज़्यादा तो जब नुस्ख़े हमीदिया मिला तो लोगों को बहुत एक तज्जुप हुआ कि अब इसके इसको छाप छपना चाहिए कि नहीं क्योंकि जब जिस चीज़ों जिस चीज़ को गालिब ने ख़ुद नहीं पसंद किया उसको हम क्यों मंज़र आम पे लाएं तो बड़ी अच्छी खासी बहस इस पर हुई लोगों ने इसके बारे में लिखा लेकिन फिर उसी दौरान पार्टीशन और फोर्टी सेवन हुआ तो फिर वो नुस्ख़े हमीदिया गायब हो गया वो ही नहीं मिलता था लेकिन उसकी प्रिंट कॉपी बहरहाल उसकी थी एक आ, वो छप गया था 1921 में तो वो मौजूद थी लेकिन आ, फिर भी आ, तो मैंने जब गालिब पर अपना काम शुरू किया तो मैं इसके बारे में जिक्र करती थी कि पता नहीं कहाँ है नुस्ख़े हमीदिया तो एक दिन मेरे पास एक किसी ने मुझे एक ई भेजी जिसका सब है जिसकी सब्जेक्ट हेडिंग थी नुस्ख़े हमीदिया तो उसमें लिखा हुआ था डियर प्रोफेसर फारूक़ी मैंने आपके आर्टिकल्स पढ़े हैं डॉन में और आप गालिब पे काम कर रही हैं और मेरे पास एक मखतूता है और गालिबन वो नुस्खा हमीदिया है तो पूछे कहा मैंने सोचा ये कोई मुझे बेवकूफ़ बना रहा है <laughs> क्योंकि सत्तर साल से ज़्यादा हो चुके थे उसको मखतूते को गुम हुए पता नहीं कहाँ से ये शख्स है कौन है वो तो मैंने उनको जवाब दिया मैंने कहा अच्छा है मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके पास है लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसा हो सकता है मैंने जवाब उन्हें लिखा तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि देखिए ऐसा है कि मैं वर्जीनिया आने वाला हूँ मेरा बेटा वाशिंगटन में जॉ उसमें जॉन सॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसका ग्रेजुएशन है तो मैं आऊँगा मैं शालट्स पर लाऊँगा आपसे मिलने हुँ. तो मैंने कहा ठीक है मैंने कहा होगा कोई फिर बाकायदा मई के महीने में जब ग्रेजुएशन होता है तो उन्होंने शहाब सत्तार उनका नाम है उन्होंने मुझे फिर ई किया उन्होंने कहा मैं फ़लाने फलाने दिन शालट्स पर लाऊँगा और बाकायदा और घंटी बजी और वो वहाँ मौजूद थे और उनके हाथ में एक मखतूता था जो उन्होंने मुझे दिखाया एंड इट वॉज द नुस्ख़े हमीदिया तो वो आप देख लीजिए कि कहाँ से उनको <laughs> उन्होंने लंदन में कोई वो कलेक्ट करते थे आ, शौकिया तो वो उनको किसी ने बताया कि ये फॉर सेल है तो वो मुझसे ऑथेंटिकेट कराना चाहते थे किसको देख के आप बताइए कि वाकई ये ओरिजिनल है कि नहीं हुँ. तो मैंने देखा तो उसमें सारी चीज़ें वो सब थी जो नोट की थी अर्शी साहब ने और लोगों ने जब वो था यहाँ 1942 में लास्ट देखा गया था तो वो सब आ, मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल ही ओरिजिनल लग रहा है तो आप देख लीजिए कि मैंने जब उसको अपने हाथ में लिया तो मेरे बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए कि ये उस ज़माने का और गालिब के हाथ से उसमें करेक्शंस किए हुए थे बहुत सारी उसमें चीज़ें थी फिर अब वो डिजिटाइज़ हो गया Uh, तो मैंने अपने वाले साहब को भी बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जब लोग काम करना शुरू करते हैं तो चीज़ें अपने आप उनके पास आ जाती हैं इस तरह से मेरे साथ बहुत से ऐसे हादसे हुए कि बहुत से ऐसी चीज़ें जिनको कि हम लोग सोचते थे कि अब वो गुम हो गए हैं वो मुझे मिले एक तो जामिया मिलिया की लाइब्रेरी में ही जो फ़र्स्ट एडिशन है गालिब का 1841 का सोचिए वो लाइब्रेरी में मौजूद है और वो इतने मामूली कागज पे है छपा हुआ और बिल्कुल पतला सा दुबला पतला सा एकदम मामूली सा है और वो सरवाइव कर गया इतने सन सतावन के में जब सारी लूटपाट और सब चीज़ें तो वो सरवाइव सरवाइव कर गया तो वो मुझे मिला आ, वो भी बस इसी तरह की कहानी है कि मैं लाइब्रेरी में काम कर रही थी तो उनका जो मखतूत का सेक्शन है वहाँ पर मैं बैठी हुई थी तो वो जो इंचार्ज था वो मेरे पास आया कहने लगा अच्छा आप बड़ी दिलचस्पी ले रही हैं इन सब चीज़ों में हम लोग के पास गालिब का एक दीवान है तो हमने कहा अरे बड़े हम एक्साइटेड हुए हमने कहा अच्छा दिखाइए तो फिर वो गए चाबी वाबी लाए अलमारी खोली उन्होंने पतली सी किताब ले करके आए तो मैंने देखा मैंने कहा कि ये मखतूता नहीं प्रिंटेड है तो वो यकीन ही नहीं कर रहे थे मुझसे बहस करने लगे हमने कहा जिस पर लिखा हुआ है प्रिंटेड इन सच एंड सच ए और एटीन फोर्टी वन तो बस देख लीजिए इस तरह से मुझे चीज़ें भी मिलती चली गई और लाइब्रेरियन साहब ने बहुत ही मेरी मदद की उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं उसकी फ़ोटोग्राफ्स लूँ फिर किताब में मेरे हैं वो तो उसमें मैंने एक ये भी बहुत दिलचस्प पहलू उठाया है कि जब हाथ से मखतूते तैयार किए जाते थे तो उनको बहुत ही सजाया जाता था ना आ, सुनहरे अल्फाज से और आ, जो लॉ होती थी वो कितनी खूबसूरत होती थी आ, मेरे ख़्याल से लाजवर्द या किसी पत्थर से पीस करके वो नीला रंग निकाला जाता था ये सब और जब वो किताब जब छपना शुरू हुई तो वही एटीन फोटी वन का जब देखिए आप तो वो कितना मामूली सा है तो ये जो ट्रांजिशन है ये गालिब इज़ आई थिंक वाहिद आ, हमारे आ, क्लासिकल आ, शायरों में हैं जिनका जिनकी डेटिंग इतनी अच्छी तरह से हो सकी है क्योंकि ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो किताब में ये सब है तो महरम बातचीत के उस हिस्से में पहुँचे हैं, हैं जहाँ हम धीरे धीरे इसको वाइंड अप करेंगे आ, हमको बताइए कि ख़ुद आप जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पढ़ाते हुए और वो भी साउथ एशियन लैंग्वेज और कल्चर्स के डिपार्टमेंट में उर्दू को लेकर ख़ास तौर पर चाहे वो बैन अवी सतह पर देखिए या हिंदुस्तान के अपने जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा उसकी हलचल रही अभी क्या आप पाती हैं उर्दू की क्या जिसको जिसके बारे में कहा कह देते हैं लोग कि वो एक मरती हुई सी जबान है जब आप इस फिक्रे पर नज़र डालती हैं तो क्या एहसासा तो वो करते हैं देखिए मेरे जो मेरा जो डिपार्टमेंट है वो साउथ एशियन लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स का डिपार्टमेंट है वहाँ पर बहुत सारी दो तरह के कोर्स ज़बाने पढ़ाए एक तो ज़बान एज़ अ लैंग्वेज और एक जबान एज़ लिटरेचर तो हमारे यहाँ उर्दू के जो कोर्सेज़ हैं उर्दू है हिंदी है बंगला है आम, संस्कृत है फारसी है अरबी है ये सारी चीज़ ज़बानें पढ़ाई जाती हैं एज बतौर लैंग्वेज के और उनके लिटरेचर्स भी पढ़ाए जाते हैं तो मैं लिटरेचर पढ़ाती हूँ और मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कम से कम तीन या चार साल तक ज़बान सीख चुके होते हैं पढ़ चुके होते हैं वो कई स्टेज़स से गुजर जाते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में होते हैं या फिफ्थ ईयर में होते हैं या पी कर रहे होते हैं तो वो बहुत रवानी से ज़बान पढ़ लेते हैं तो तो एक क्लास तो मैं पढ़ाती हूँ जिसमें कि क्लासिकल शायरी और दूसरा क्लास जो मैं पढ़ाती हूँ कोर्स मतलब तो वो बदलता रहता है तो ज़्यादातर उसमें मैं इंडियन लिटरेचर पढ़ाती हूँ एज अ होल तो उसमें फ़ोकस कभी साउथ पे कर दिया कभी जाहिर बात है मैं सदर्न लैंग्वेज़ तो नहीं जानती हूँ तो मैं उसको ट्रांसलेशन में पढ़ाती हूँ लेकिन जो एक वर्ल्ड व्यू है हमारे इंडियनस क्या चीज़ है वो पढ़ाते हैं कि किस तरह से हम हमारा तर्ज ज़िंदगी क्या है hmm. वो किस तरह का समाज है जिसने ऐसे अदब को पैदा किया हाउ डिड सच लिटरेचर इमर्ज ये चीज़ें हम पढ़ाते हैं अपने कोर्सेज़ में uh, तो उसको पढ़ने के लिए ख़ासा ख़ास नंबर्स में तलब इल होते हैं तो जो जनरल कोर्सेज़ इंडियन लिटरेचर पे होते हैं उसमें तो आप समझ लीजिए चालीस पैंतालीस तलब इलम होते हैं जिसमें से कि पचास फ़ीसदी से ज़्यादा मेन लाइन अमेरिकन होते हैं और बाकी में एशियन स्टूडेंट्स भी बहुत होते हैं जैसे कि चाइनीज़ जैपनीज़ कुरियन वीज़ बंग्लादेशी पाकिस्तानी इंडियंस बहुत होते हैं इस तरह के तो अच्छा कॉम्पजिशन रहता है और फिर उर्दू के क्लास में भी आप समझिए जो Uh, जिनकी मेन लैंग्वेज या जिनकी जिसको हम कहते हैं नेटिव लैंग्वेज या उनके माँ बाप की या जिस नेटिव स्पीकर उनको कहा जाता है चाहे वो बोलना नहीं भी जानते हो उनकी तादाद बल्कि थोड़ी कम रहती है वो ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपने शौक़ या अपने पैशन से डिस्कवर किया है उर्दू को और हिंदी को भी और उसमें वो गहरी दिलचस्पी रखते हैं उसको पढ़ना चाहते हैं तो पी एच डी इस्कॉलर्स ज़्यादा होते हैं एम ए स्टूडेंट्स होते हैं बी ए के भी एडवांस होते हैं तो उसमें ये होता है कि ये सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा एक क्लास में आ जाते हैं वहाँ पर इस तरह का सिस्टम है तो वो एक दूसरे से भी सीखते हैं मसलन जो जूनियर स्टूडेंट है, वो सीनियर स्टूडेंट्स के साथ बैठ करके जब एक क्लास अटेंड करता है या करती है तो सेकेंड हैंड नॉलेज बहुत बढ़ जाती है उसकी तो ये तरीका पढ़ाने का मुझे बहुत पसंद भी है वहाँ पर मुझे इसलिए पढ़ाना बहुत में बहुत मज़ा आता है मुझे क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक तो सीखना चाहते हैं अपने शौक़ से आते हैं ना तो वो पढ़ना चाहते हैं वो आपको बल्कि उनका बस नहीं चलता कि वो आपसे कितना भी वक्त आपका ले लें तो जब ऑफिस आवर्स होते हैं तो वो बाहर बैठे रहते हैं फिर वो आपके साथ बहुत से सवाल पूछते हैं गुफ्तू करते हैं Um, सीखने की कोशिश करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम ऑल्सो उस इन्वायरमेंट में वो आ, पढ़ते हैं तो ट्रांसलेशंस की एक्टिविटीज़ हम लोग बहुत करते हैं ये बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन है आ, आ, उन डिपार्टमेंट्स का जो आउटसाइड ऑफ द रीजन उसके लिटरेचर को पढ़ाते हैं क्योंकि अगर फर्स्ट लैंग्वेज हमारी अंग्रेज़ी है और सेकेंड लैंग्वेज हमारी उर्दू या हिंदी है तो हम जब तर्जुमा करेंगे अंग्रेज़ी में तो ज़ाहिर हमारे तर्जुमे का मैार बहुत अच्छा होगा बिकॉज़ हमें अंग्रेज़ी की सेंसिटिविटी है ना हमें मालूम है कि हाउ दिस सेंटेंस विल साउंड इन इंग्लिश तो ज़ाहिर है तर्जुमा भी ज़्यादा अच्छा होगा तो इस तरह से बहुत अच्छे तराजम भी अब आ रहे हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के शोबों से मतलब मेरी भी यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में है इस वक्त यू में और डिपार्टमेंट भी हमारा बहुत हाईली uh, रैंक्ड है तो बहुत ही अच्छा काम वहाँ हो रहा है और इससे भी हम फायदा उठाते हैं कि मसलन हम अगर फारसी में कहीं अटक रहे हैं जैसे हमने आपको बताया तो हमारे यहाँ जो फ़ारसी पढ़ के प्रोफ़ेसर्स हैं दो तीन हैं उनसे मुझे बहुत मदद मिली अरबी के प्रोफेसर से मदद मिली संस्कृत के प्रोफेसर से मदद मिली तो ये सारे लोग चूँकि एक ही डिपार्टमेंट में हैं बजाय अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होने के तो उससे भी एक जो मिली जुली तहजीब हमारी है जिस जो फैब्रिक है हमारे हमारे रीजन का साउथ uh, एशिया का वो बहुत ही खूबसूरती से निखरता है इस तरह के माहौल में इस तरह के डिपार्टमेंट्स में तो मैं अपने को बहुत खुशकस्मत समझती हूँ कि मुझे मौका मिला वहाँ पढ़ाने का और जो सवाल का दूसरा हिस्सा था जिसमें हम ये जानना चाहते थे कि आप क्या सोचती हैं उर्दू एक ख़त्म होती हुई सी जबान है या फिर जैसे खास तौर पर हाल के बरसों में अब करीब एक एक दहाई हो जाए का वक्त हो जाएगा जब रेखता ने ये एक जी, जी, आ, एक कोशिश शुरू की है जिससे ख़ासतौर पर यंगस्टर्स के बीच में उर्दू को लोक एक प्यार और एक अट्रैक्शन बढ़ा हाँ ये सवाल जो है ना ये बहुत चेहरा सवाल है इसका जवाब देने में मुझे पूरा प्रोग्राम अगर आप मुझे दे दीजिए तो मैं इस बे करूँ और आ, लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है कि अब जो उर्दू में जो दिलचस्पी है वो आ, एक डिफरेंट तरह की दिलचस्पी है आ, वो शायद उर्दू के स्पोकन फॉर्म से ज़्यादा है उर्दू के रिटन फॉर्म से इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि आ, या फिर आ, वो एक सिर्फ ट्रेंड है बहरहाल अगर ट्रेंड भी है तो भी अच्छा ही ट्रेंड है अंग्रेज़ी बहुत सी जबानों को खाए चली जा रही है तो उसके इस ऑन इस स्लॉट को रोकने का भी ये तरीका है कि आ, हम अपनी तहजीब और अपनी ज़बान में एक फ़ख्र महसूस करें जो कि रेख्त और इस कस्म के जो ऑर्गनइजेशनस हैं रेख्त बिल्कुल फॉरमोस पर है आ, उन्होंने ये एक रास्ता हमें दिखाया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ही मसलन हम दास्तान ही पढ़ने लगें उठा करके या हम गालिब को एकदम से पढ़ने लगें ऐसा ज़रूरी नहीं है हम उर्दू को एज़ अ लिविंग लैंग्वेज अप्रोच कर सकते हैं कि वो एक स्पोकन लैंग्वेज है एक जीती जाती जागती ज़बान है जिसको कि जो वक्त के साथ बदल रही है आ, और उसको हम सराहें उसको हम फिर नेक्स्ट लेवल हमारा ये हो सकता है कि हम उसको पढ़ना लिखना सीखें लेकिन ज़बान के बहुत सारे पहलू हैं कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हम उर्दू में लिखने ही लगें तो ही हम आ, ये ये कह सकेंगे कि उर्दू मेरी आ, पसंदीदा ज़बान है या उर्दू इज़ वन ऑफ़ द लैंगवेज दैट आई नो सो मुझे तो लगता है कि उर्दू का फ्यूचर इतना ब्लीक नहीं है आ, क्योंकि बहरहाल ये जो बैलेंस है बिटवीन द वेस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसमें तो तब्दीली आ ही रही है और जैसा आप ख़ुद ही जानते होंगे कि चाइना ने कभी अपनी ज़बान को सेकेंड नहीं होने दिया आम, तो इस तरह से जापान भी है और भी बहुत सी एशियन मुल्क हैं जिन्होंने रजिस्ट किया है आम, इस चीज़ को तो हमारे यहाँ भी अब देखिए कितने अच्छे अच्छे फॉन्ट्स मौजूद हैं हिंदी के लिए उर्दू के लिए और सारी जबानों के लिए तो वी आर मतलब तो टेक्नोलॉजी को हम एम्ब्रेस करें और उसके साथ साथ हम चलेंगे तभी हम उसमें अपना आ, मकाम पैदा करेंगे और रख, का, मकाम कायम करेंगे बल्कि तो मेरे ख़्याल से ये सब चीज़ें हो रही हैं सो so, आई थिंक उर्दू पब्लिकेशंस में ऐसा कोई फॉल नहीं हुआ है हो सकता है उसका मैार अब जाने अब मैार भी कौन सेट करता है ज़्यादातर लोग इंटरनेट पे चीज़ें पढ़ते हैं तो उस वहाँ पर मुझे कुछ थोड़ा बहुत लैगिंग नज़र आती है उर्दू में आ, कि एक जमा एक अभी पिछले साल में विकिपीडिया के साथ थोड़ा सा काम कर रही थी तो जब मैंने दूसरे लैंग्वेजेस लैंग्वेज़ में विकीपीडिया को देखा तो मुझे लगा उर्दू विकीपीडिया उतनी उतनी ज़्यादा डिवेलप नहीं मुझे नज़र आई हिंदी और बंगला की विकीपीडिया बहुत अच्छी थी ऑफकोर्स अंग्रेज़ी की तो है या नंबर वन तो इस तरह की चीज मतलब जो लोग उर्दू से जुड़े हुए हैं मसला मैं भी जुड़ी हुई हूँ तो इस बात को मैंने आ, मतलब ये प्रोजेक्ट विकीपीडिया वाला मैंने ख़ास तौर से इसलिए भी एक्सेप्ट किया कि मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही अहम है इस वक्त किसी भी ज़बान के ज़िंदा और तंदरुस्त रहने के लिए कि वो टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करे और आगे बढ़े तो इसलिए फ़ारसी में देखिए फ़ारसी भी काफ़ी डेवलप्ड है टेक्नोलॉजिकली अरबी भी, भी है तो आ, मुझे लगता है कि थोड़ी सी और कोशिश हमें करनी चाहिए टू बी वेरी ब्लंट क्योंकि हम अपने में खुश हो जाएं कि हाँ नहीं नहीं बहुत भीड़ है रेखता में हाँ भीड़ है लेकिन हाउ मच इज़ इट ट्रांसलेटिंग इन टू एक्चुअल वर्क इन उर्दू इसको तो ऐसे एस वाले भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से उन्होंने शुरू भी कर लिया होगा इसको देखना कि वेबसाइट ये सब तो मोटे स्टेटिस्टिक्स हैं कितनी बार एक्सेस हुई क्या फुटफॉल है लेकिन हाउ मच इज़ बीग यूज फॉर रिसर्च कितना और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आगे चल के काम होगा तो उससे ज़्यादा सही तस्वीर सामने आएगी और आखिर में आपसे पूछेंगे कि ख़ुद देखिए जो आपकी सलाहियतें थीं वो हिंदुस्तान आ, के जो आ, एक तरह से लिटरेरी और एकेडमिक सिनेरियो को एनरिच करने के बजाय अभी आप यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में आ, हैं आ, तो क्या आप देखती हैं कि कोई यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्ड्यूसिव माहौल इस तरह के कामों के लिए कहीं वो उसके लिए नेगेटिव कोई माहौल है जिसकी वजह से इस तरह की जो लोग आप जैसे लोग बजाय यहाँ काम करने के और यहाँ एनरिच करने के आखिरकार बाहर चले जाते हैं या फिर इसका एक दूसरा सिलसिला ये दूसरा सिरा यहाँ जुड़ता है कि क्या चाहे वो लिटरेरी एक्टिविटीज़ में या आइडियाज़ की फील्ड में जो एक ओपननेस और जो एक जब आप साउथ एशियन कल्चर और लिटरेचर की बात करती हैं हिस्ट्री की बात करती हैं उसके आमने सामने रख कर अगर देखें तो क्या बर में डायलॉग और उसकी कोई कमी हुई है मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ को जितनी आज़ादी मिलनी चाहिए जितना यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी हैं जिन उनको आम, फ्रीडम ना यहाँ पर है नहीं आम, एक तो ये कि बहुत ज़्यादा ब्यूरोसी है जो चीज़ों को क्वांटिफाई करती हैं पॉइंट सिस्टम से देख लिया अब उसमें क्या होता है कि लोग यूं ही छपवा छप, छप, छप छपवा छपवा देते हैं चीज़ों को क्वालिटी पे इतना ज़ोर नहीं है आ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि फैसिलिटीज़ अब तो शायद बहुत ज़्यादा फिर भी बहुत फैसिलिटीज हैं लेकिन जिस ज़माने में हम यहाँ पर कुछ दिनों हमने पढ़ाया है उस ज़माने में आ, मसलन के इंडिपेंडेंट ऑफिस भी नहीं थे प्रोफेसर्स या टीचर्स के पास तो एक कॉमन स्टाफ रूम में बैठ करके आप क्या रिसर्च कर सकते हैं सिवाए आप बातें कर सकते हैं और वेस्ट में मैंने देखा है कि क्वालिटी पे ज़्यादा ज़ोर है क्वांटिटी पे इतना नहीं मसलन अगर आपका कोई मज़मून छपा है तो वो कौन से जर्नल में छपा है इस पे ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे अगर पॉइंटिफिक अगर आपको क्वांटिफिकेशन करना है और वो ये देखते हैं कि आपकी रिसर्च का इंपैक्ट कितना है क्या है और आज़ादी बेहद है आप जो चाहें पढ़ा सकते हैं आप आ, इंटर आ, आप दो डिपार्टमेंट में एक साथ क्लास पढ़ा सकते हैं उसमें आपके क्लास में बच्चे एनरोल हो सकते हैं ये सब चीज़ों से जाहिर है बहुत हौसला अफजाई होती है और उसके लेकिन जैसे मसलन किताब मेरी जो अस्करी वाली थी वो न्यूयॉर्क से छपी पॉल ग्रेव मैकमेलन ने छापा यहाँ पर ऑक्सफर्ड से भी छपी थी ऑक्सफर्ड न्यू डेली ने भी छापी थी आ, मगर आ, ये जो मेरी अब ये गालिब वाली किताब आई तो मैंने सोचा कि मैं इसको इंडिया में ही छपवाऊँगी पेंगुइन से क्योंकि जो जितनी दिलचस्पी यहाँ पर लोग उसमें लेंगे उतनी चाहे अमेरिका या इंग्लैंड में नहीं नहीं हो सकती क्योंकि गालिब इज़ इज़ एन इंडियन पोएट राइट तो और जो रिसेप्शन मुझे अभी इट्स लाइक जितनी ज़बरदस्त उसका रिसेप्शन है वो कभी कभी हो नहीं सकता था अगर वो अमेरिका में छपती तो बहुत मुझे खुशी हो रही है कि गालिब को पसंद करने वाले तादाद में बेपनाह लोग हैं और किताब को लोग बहुत इंतजार था इस किताब का और लोग वाकई उसको बहुत वेलकम कर रहे हैं तो मुझे लगता है मैंने बहुत ही सही ये फैसला किया कि मैं किताब हिंदुस्तान में छपवा हूँ और देखिए अब आगे आगे होता है क्या नहीं, नहीं बहुत अच्छा होगा हम आपके लिए दुआएं करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगला कोई और प्रोजेक्ट आप फिर अगले दस साल के लिए उठाएं और कोई और नगीना सामने आए तो आखिर में हम लोग हमारी तरफ से बातों का सिलसिला पूरा हो गया है मेहर साहबा अगर आप कुछ कहना चाहती हो तो आप कह सकती हैं ऐसा कोई सवाल जो मैंने नहीं पूछा हो वो आप यहाँ जाहिर कर सकती हैं ये न... कहना चाहूँगी कि अंग्रेज़ी एक वर्ल्ड लैंग्वेज है लेकिन हमारी जो अपनी ज़बान है जब तक हम उसमें लिटरेट नहीं हैं तब तक हम अंग्रेज़ी पढ़ कर के हम क्या कर लेंगे और इसलिए मेरा ये पैगाम है सबके लिए कि आपकी जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है जो आपकी मादरी ज़बान है चाहे वो तेलगु हो उर्दू हो गुजराती हो उसको आप ज़रूर उसमें लिटरेसी हासिल कीजिए उसको पढ़िए उसके राइटर्स को पढ़िए आप उससे जो आपको एनरिचमेंट मिलेगा वो अंग्रेज़ी पढ़ करके आपको हरगज़ नहीं मिलेगा तो बस इन्हीं कुछ अल्फाज से मैं अपनी गुफ्तु ख़त्म करती हूँ बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया महर साहब आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और इतनी बातें हमारे साथ शेयर की बहुत बहुत शुक्रिया ये थी अफशा फारूकी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एशियन कल्चर्स और डिपार्टमेंट ऑफ एशियन कल्चर्स और हिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और मशहूर इस्कॉर शमसूरमान फारूकी की बेटी भी हैं कुछ कहना चाहते हैं प्रोग्राम गफ्तु के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर गुफगु एट रेख्त डॉट ओ आर जी पर जा रहे हम आपका बेटा बड़ा हो गया पापा और अब हमारा घर भी गेट क्विक एन ईजी होम लोन्स फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ोडा फॉर योर ड्रीम होम